कांग्रेस के नेताओं के बयान से पता चलता है कि उन्होंने कैप्टन साहब को क्यों हटाया। उन्होंने खुद कहा है कि पंजाब सरकार को हम नहीं चलाते थे, कैप्टन साहब की सरकार को दिल्ली के नेता कह रहे हम नहीं चलाते थे, भारत सरकार चला रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस की सारी सरकारें रिमोट कंट्रोल से चलती है, दिल्ली से एक परिवार चलाता है, संविधान के आधार पर वो राज्य सरकारें नहीं चलती है। और कैप्टन साहब ने फेडरलिज्म के सिद्धांत के अनुसार अगर भारत सरकार के साथ मिलकर के काम किया और भारत सरकार ने अगर पंजाब के साथ मिलकर के काम किया तो भारत के संविधान के अनुरूप काम किया कि नहीं किया? भाई किया कि नहीं किया? हमने संविधान का आदर किया कि नहीं किया? हमने फेडरलिज्म का आदर किया कि नहीं किया? यहां कांग्रेस के नेता आकर के कहते थे कि कैप्टन साहब हमारी नहीं सुनते थे, भारत सरकार से, भारत सरकार और कैप्टन साहब की सरकार मिलकर के पंजाब को आगे बढ़ाना चाहती थी, ये रोड़े अटकाते थे। और जब रोड़े अटकाने की उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि आखिर उन्होंने कैप्टन साहब को ही विदा कर दिया। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे YouTube चैनल नू सब्सक्राइब करो, नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बेल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसी ये वीडियो Facebook ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।